प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे कोरोना लॉकडाउन से निकलने पर चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था से जुड़ी कई चीज़ों पर उनके साथ विचार विमर्श में जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर कहा कि घर जाने की चाहत होना एक मानवीय स्वभाव है, यही वजह रही है कि उन्हें कुछ फैसलों में संशोधन करना पड़ा। मुख्यमंत्रियों के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं। पीएम मोदी के साथ इस मीटिंग में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस बात पर आशंका जाहिर की है कि ट्रेन सेवा की शुरुआत होने पर कोरोना संक्रमण फैल सकता है और फिर स्क्रीनिंग करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, ट्रेन सेवा की फिलहाल इजाज़त नहीं देना चाहिए। हम चाहते हैं कि केंद्र पर्याप्त रणनीति तैयार करे और ट्रेन सेवा को रोका जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक से ठीक एक दिन पहले केंद्र सरकार ने रविवार को यह साफ किया था कि कंटेनमेंट जोन में गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो और कोरोना संक्रमण वाले इलाकों में साफ तौर पर घेराबंदी की जाए। केंद्र की तरफ से यह स्पष्ट कहा गया कि उन्हें कोई भी राष्ट्रव्यापी छूट नहीं होना चाहिए, नहीं तो अराजकता की स्थिति हो जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि अंतर्राज्यीय सप्लाई चेन को सही तरीके से काम करना देना चाहिए, बिना राशन कार्ड के भी लोगों को राहत मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में इकोनॉमिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं और वापस नहीं जा रहे हैं उन्हें कुछ निश्चित गतिविधियों में लगाया जाना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन को कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित रखा जाए। उन्होंने कहा कि सुरक्षात्मक उपायों के साथ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के साथ ही और गर्मी छुट्टियों के बाद स्कूल कॉलेजों को खोलने और सार्वजनिक परिवहन को भी धीरे धीरे खोलना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राज्यों की बैठक में तमिलनाडु ने NHM फंड जल्द से जल्द जारी करने की मांग करते हुए राज्य के लिए 2,000 करोड़ रुपये की विशेष मदद मांगी और लंबित पड़ी GST की राशि को जारी करने को कहा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान कहा कि राज्य में करीब 30,000 लोगों को अति संवेदनशील मानकर उनकी जांच की गई है। हमें हालात सामान्य करने और उस कलंक के धब्बे को ख़त्म करने की ज़रूरत है। कोरोना पॉजिटिव परिवार सामाजिक बहिष्कार का सामना कर रहे हैं। हमने लोगों से अपील की है कि वे सेल्फ आइसोलेशन के लिए आगे आएँ। हमें लोगों को वैक्सीन के तैयार होने तक इस कोरोना वायरस के साथ जीने के लिए तैयार करना होगा। हमें वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए व्यापक तौर पर जागरूक होना होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक के दौरान कहा, एक राज्य के तौर पर हम कोरोना संक्रमण से लड़ने में अपना बेहतर कर रहे हैं। केंद्र को इस मुश्किल घड़ी में राजनीति नहीं करना चाहिए। हम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और अन्य बड़े राज्यों से घिरे हुए हैं और इसका सामना करना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को बराबर महत्व मिलना चाहिए, हमें टीम इंडिया की तरह काम करना चाहिए। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के दौरान कहा कि हमने इस बात पर जोर दिया है कि जो जहां पर है वह वहीं रहे, लेकिन घर जाना मानव का स्वभाव है, इसलिए कुछ निर्णय बदलने भी पड़े। इसके बावजूद यह सुनिश्चित करना कि कोरोना संक्रमण ना फैले और गाँव तक ना जाए, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुरुआती संबोधन में प्रवासियों पर चर्चा करते हुए कहा कि वे उनके घर जाने की जरूरत को समझते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे लिए चुनौती है कि COVID-19 का संक्रमण गांव तक ना जाए। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना संक्रमण को ट्रैक करने में आरोग्य सेतु ऐप के महत्व और इसको डाउनलोड करने को लेकर इसकी लोकप्रियता के बारे में बात की। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे इस ऐप के महत्व को और इसको लोकप्रिय बनाने के लिए कदम उठाएँ। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।